नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे DDC और BDO के शक्ति को लेकर। बिहार सरकार ने उनकी शक्तियों को कम कर दिया है। बिहार में पिछले कई दिनों से अधिकारियों के कार्यों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार सरकार के कई मंत्री और नेता ने भी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हमारे द्वारा बताए गए कार्यों को नहीं करते हैं। ऐसे में अब बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार सभी जिलों में तैनात DDC यानी कि उप विकास आयुक्त और BDO का पावर छीनने जा रही है। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग को पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के गजट प्रकाशन का इंतजार है। जैसे ही राजपत्र पर प्रकाशन होगा, इन दोनों अधिकारियों का पावर छीन जाएगा और सरकार सभी जिलों में नए पदाधिकारियों की तैनाती कर देगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार जिला परिषद के तहत होने वाले विकास कार्यों से अब DDC और पंचायत समिति के BDO को बाहर करने जा रही है। DDC यानी कि उप विकास आयुक्त की जगह पर बिहार में सभी जिलों में जिला परिषदों में नए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की तैनाती की जाएगी, जबकि पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी अब BDO से लेकर पंचायती राज पदाधिकारी को दे दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि गजट प्रकाशन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग से 38 अधिकारी मांगे जाएंगे। सामान्य प्रशासन से पदाधिकारियों की सूची मिलने के बाद उनकी तैनाती जिलों में कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में आने वाले कुछ महीनों में पंचायत चुनाव होने हैं और प्रदेश में इस तरह का बदलाव किया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में पहली बार लागू की जा रही है। नई व्यवस्था को लेकर मानसून सत्र में विधानमंडल में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित किया जा चुका है। अब इस प्रस्ताव में सिर्फ राज्यपाल की स्वीकृति के बाद संशोधन का गजट प्रकाशन हो जाएगा। इसके बाद संशोधित अधिनियम लागू हो जाएगा। इसके बाद पंचायत समिति में कार्यपालक पदाधिकारी अब BDO की जगह पर वहाँ के पंचायती राज पदाधिकारी ही होंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में उन्हें नामित करेगा। इस नई व्यवस्था में हुए बदलाव को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि DDC और BDO के पास कई अन्य विभागों के भी कार्य होते हैं। इसको देखते हुए उनकी जगह पर अलग पदाधिकारी को रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि पंचायतों के विकास कार्य में तेजी लाई जा सके। इस बदलाव को लेकर बोलते हुए पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पास जिला परिषद के संचालन और उनकी संपत्तियों की देखरेख के अलावा कोई और काम नहीं रहेगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि DDC के पास पहले से ही कई तरह के कार्य रहते हैं। ऐसे में जिला परिषद के लिए पूर्णकालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में अब देखना है कि पंचायतों के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जो पद सृजन हुआ है, उसमें आने वाले दिनों में पंचायतों को कितना लाभ मिलता है। तो ये थी BDO और DDC के शक्ति यानी कि उनके पावर को लेकर खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।